तो फाइनली गाइस हमारे साथ हैं ऋषि सर, और काफी टाइम के बाद मैं मिल रहा हूँ इनसे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं ऋषि सर से मिलने, और वो एयरपोर्ट आ रहे हैं, यहाँ पर आए थे शूटिंग के लिए ना। तो मैं उनको कॉल किया था और बोला मैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो बोले आ जाओ एयरपोर्ट पर। तो उनसे जा रहा हूँ मैं मिलने, वो वापस जा रहे हैं मुंबई, और मैं उनसे काफी टाइम के बाद मिलने जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है 1-1.5 साल के बाद मैं उनसे, 1 साल तो हो गया, मिलने जा रहा हूँ। तो हाँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और उनके लिए कुछ लेकर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर गर्मा गर्म ऋषि सर के लिए गुजिया बन रहा है। तो गाइस गुजिया और खुरमा मस्त गर्मा गर्म ले लिया है, और अब चलते हैं। तो फाइनली गाइस हमारे साथ हैं ऋषि सर, और काफी टाइम के बाद मैं मिल रहा हूँ इनसे। काफी ज्यादा अच्छा लगा सर। हाय कृष्णा, मुझे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू यहाँ देहरादून एयरपोर्ट पे आने के लिए, मिलने के लिए। और मैं इनके साथ निमकी मुखिया किया था, उसके बाद बैरिस्टर बाबू मिला था, तो काफी टाइम हो गया मिले हुए, और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, निमकी मुखिया में मिले थे, स्टार का शो था, और अभी वापस स्टार का शो करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो सर आए थे यहाँ पर शूटिंग के लिए, कहाँ का शूटिंग हुई सर? हमने लाखा मंडल में की, मसूरी के आसपास कुछ इलाकों में की, मसूरी में की, कुछ पहाड़ियाँ तो ऐसी जिनका नाम मैं शायद नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा ठीक से, या मुझे याद नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत जगह है, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे शूटिंग की हमने। तो सर का नया शो आ रहा है स्टार भारत पर, और हमने सर के साथ निमकी मुखिया किया था, और एक नया शो सर का आ रहा है, वो भी स्टार पे आ रहा है, और उसका नाम है गुड़ से मीठा इश्क। अश्क नहीं, क्योंकि अश्क गुड़ से मीठे नहीं होते, नमकीन होते हैं, लेकिन इश्क गुड़ से मीठा होता है। और तो स्टार का शो था, वो भी स्टार का शो है ये भी, और स्टार कृष्णा से हम यहाँ पे मुलाकात भी हो गई देहरादून एयरपोर्ट पे। सुंदर है सब, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सर से मिलकर, और कुछ बात करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस ऋषि सर से मिल लिया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिलहाल उनकी फ्लाइट है, तो वो अंदर गए और मैं बाहर आ गया, और काफ़ी कुछ बात हुई, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। फिलहाल तो वो अंदर गए और मैं चल रहा हूँ घर। बॉक्सर बॉक्सर, कैसी हो तुम, कैसी हो? तो गाइस अभी मैं घर पर आ गया हूँ, और भाई बाहर बहुत तेज तगड़ी वाली धूप है, मतलब सीधे अंदर घुस जा रही है, इतना ज्यादा तेज धूप है। गर्मी आ गया क्या? आ गया, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला धूप है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी है। तो फिलहाल तो बहुत तेज की भूख लगी हुई है, तो कुछ खाते हैं। तो खाने में है मस्त पुलाव, तो चलो खाते हैं, और इसी सर के न्यू सीरियल का प्रोमो देखते हैं। तो गाइस ये लग गया गुड़ से मीठा इसका प्रोमो, अब इसको प्ले करते हैं। तो शो का प्रोमो तो काफी ज्यादा मस्त है, और ऋषि सर का ये जो हटाने वाला सीन है ना, काफी ज्यादा जबरदस्त है, काफी ज्यादा मजा आ गया। और बाकी आप ये शो देखना, उनका सीन जो है ना, उनका एक्टिंग काफी ज्यादा मजा आएगा आपको देखकर, काफी ज्यादा शानदार लगेगा। वैसे सारे एक्टरों का एक्टिंग और सीन जबरदस्त है, और शो भी देखने से लग रहा है काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। और अब टाइम हो गया है उनके फ्लाइट के उड़ने का, तो मैं उनसे बोला घर के ऊपर से ही जाता है, तो वो बोले कि यहीं से पकड़ा दिया होता छत के ऊपर से ही, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। तो फ्लाइट ठीक घर के ऊपर से जाता है ना, तो चलो दिखाते हैं उनकी जो फ्लाइट है वो है इंडिगो, तो चलो हाँ दिखाते हैं। तो गाइस उनकी फ्लाइट बस आने ही वाली है, और जिस टाइम पे वो बताए थे उस टाइम पे मैं यहाँ पर आ गया हूँ, बस दिखने ही वाला है। तो गाइस ये है वो फ्लाइट, टाइम भी वही, फ्लाइट भी वही, और भाई यहाँ पर सुबह से गुजिया बन रहा है। हाथों की कला देखिए इनके, ये है छोटी हलवाई, तो फाइनली यहाँ पर बनकर तैयार है। ये देखो भाई कितना सारा बन रहा है। तो भाई ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल काफी ज्यादा मैं बिजी हो गया था, तो ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया था, और आज है होलिका दहन, तो मस्त आपको उत्तराखंड का होलिका दहन दिखाएंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं मार्केट, क्योंकि आज भी कुछ ना कुछ बन रहा है, तो मिल्क चाहिए, तो चलते हैं मार्केट मिल्क लाने। तो मेरे साथ दो गधे भी चल रहे हैं, मैंने बोला चलो भाई चलते हैं, दूध भी ले लेंगे, थोड़ा बहुत कहीं घूम भी लेंगे, तो चलो चलते हैं। और भाई ये गधा ये भी है, इसको भी भाई पिचकारी लेना है, होली खेलेगा ना। देखो भाई कैसे खड़ा है, जैसे मैं गेट खोलूंगा वैसे ही ये बाहर निकल जाएगा, देखो सर से अपने खोल रहा है। तुमको चलना है कि मैं जाऊं? मुझे चलना है। तब चलो। दूसरी गधी कहाँ गई? दूसरी गधी अंदर है, उसका स्लीपर खो गया है। ठीक है, लेके आओ उसको। आओ यार जल्दी जल्दी आओ। और भाई आज जब से शेविंग किया हूँ, पता नहीं क्यों बाल भी तेरे नाम स्टाइल वाला हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और देखो भाई इन लोगों को ले जाने का मतलब है ये लोग पैसा खर्च करवाएंगे, इन लोगों को भाई अपने होली का पिचकारी लेना है, तो बोल रहे हैं कि भाई मुझे दिलवा देना, जो भी अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। तो देखते हैं मार्केट में इनको कौन सा पिचकारी लेना है, तुम्हारे लिए भी पिचकारी लेके आएंगे। ओके, ऐसे ही बैठे रहना।
वापस। तो जी हाँ, हम आए हुए थे इस जंगल में थोड़ा घूमने। जो कि भाई दिखने में कुछ ऐसा है खतरनाक सा, मत जाओ वहाँ पर, जानवर है। आ जाओ वापस चलते हैं, कुछ सुंदर नहीं है। चलो तो अब चलते हैं। आओ जल्दी आओ, मैं चला जाऊंगा। तुमको पता है यहाँ पर शेर रहता है, हाथी रहता है, मार देगा। चलो भागो यहाँ से। तो जाते जाते भाई मस्त गन्ने का जूस दिख गया, तो चलो पीते हैं। तुम्हारे मूछें निकल जा रही हैं। तो इन लोगों को यहाँ पर एक दोस्त भी मिल गया है, क्यूट सा। हेलो, जल्दी चलो। भाई ओ मेरे भाई, जिंदगी मेरी तुझ में समाई। क्या बात है, गाना गाओ। भाई ओ मेरे भाई, हर खुशी मैंने तुझ में ही पाई। भाई सारा सामान ले लिया, और जो आपने देखा होलिका दहन की तैयारी चल रही है, यहीं पर आना है रात में। तो चलो अब चलते हैं, फिर रात में आएंगे। तो गाइस रात के 9 बज रहा है और फिलहाल अभी हो गया है टाइम होलिका दहन का। तो हाँ चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बारह बजे रात में, 2 बजे या 12:30। जय माता दी, जय। तो गाइस अभी तगड़ा वाला पोपट हो गया है, बिकॉज जो होलिका दहन का टाइम था ना वो 9 बजे का था पहले, अभी पता नहीं क्यों यार रात में 12 बजे का हो गया है। तो अपने से तो नहीं हो पाएगा भाई, रात में 12 बजे मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यार रोड पे कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हो ना, होली के दिन कौन टहलते हैं, वैसे लोग टहलने लगे हैं, तो कौन जा पाएगा। इसलिए यार सॉरी, आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाया। फिलहाल तो भाई ऐसे ही देख के आ गया, और इस ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।